The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto, main hoon Dr. Paramjeet, consultant physician and cardiologist in YASHODA Super Speciality Hospital, Nehru, Nager, Ghaziabad. Aur ye mera channel hai Dr.Education. मैं हर मेडिकल जानकारी, हर मेडिकल बीमारी के बारे में बेसिक आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में बहुत से मिथ आपने सुने होंगे, पर अब लोगों ने एक लेवल और पार कर दिया है, हद क्रॉस कर दी है। डॉक्टरों के कपड़े पहन के, मास्क पहन के या ऐसे पहन के भी वीडियो बनाने लगे हैं उल्टे सीधे, सो वो तो भाई साहब मतलब हद हो गई। ऐसे वीडियो चलने में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आपके अंदर जाके पहले 3 दिन आपके मुंह में रुकता है, मुंह के अंदर रुकता है और उसके बाद फिर वो आपके फेफड़ों में जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है इसलिए मुंह को साफ करते जाओ, गर्म पानी से साफ करते जाओ, मुंह को साफ करते जाओ, ये पीते जाओ, वो पीते जाओ। तो मुंह जब साफ करोगे, मुंह के अंदर आप ऐसे अल्कोहल रख लो, मुंह के अंदर ये कर लो, मुंह के अंदर वो कर लो, तो कोरोना वायरस मर जाएगा। वो एब्सोल्युटली रबिश है ऐसी सोच। वो बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है। ये सोच ही बताती है कि वो डॉक्टर नहीं हो सकता जिसने भी ये बनाया, पहली बात, क्योंकि उनको इतना नहीं पता कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये आपके चमड़ी के ऊपर सर्वाइव नहीं करता। बैक्टीरिया जो है ये ऊपर ऊपर ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, लेकिन वायरस सिर्फ अंदर जाएगा। वायरस सिर्फ अंदर जाएगा तभी रहेगा, वायरस ऊपर आपके सेल के अंदर के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वायरस आपके सेल के अंदर नहीं जाएगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब क्या है, उसको आपके सेल के अंदर जाना है। इसीलिए हर वायरस के ऊपर एक एनवलप होता है, उन एनवलप्स के ऊपर एक प्रोटीन्स होते हैं, एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, पी ई प्रोटीन, एन प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन का काम क्या है, ये अटैच करते हैं, एनवलप प्रोटीन्स जो होते हैं वो जाके एनवलप वाइज और एस प्रोटीन वाइज जाके अटैच करते हैं आपके सेल्स के, पूरी बॉडी के कहीं जो ए पर्टिकुलर सेल्स, जैसे लंग्स के सेल्स, ये वायरस लंग्स के सेल के अंदर मैच खाता है और ये फेफड़ों के, आपके नाक के अंदर से जाता है सीधा फेफड़ों के अंदर। वहाँ एक वायरस नहीं जाता, वो हज़ारों वायरस जाते हैं आपके अंदर, हज़ारों वायरस आपके सांस की नली के अंदर जाते हैं और अंदर जाके, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, यहाँ हो, वहाँ हो, गले में हो, वो सेल के अंदर घुस जाएगा। वो सेल के एस टू रिसेप्टर से उसके रिसेप्टर मैच करते ही वो अंदर घुस जाएगा सेल के, और जब ये सेल के अंदर जाएगा तब आपको इन्फेक्ट करेगा। अगर वो सेल के अंदर नहीं जाएगा तो आपको वायरल इन्फेक्शन होगा भी नहीं। आपके अंदर सेल के अंदर जाके वो रेप्लिकेट करने लगता है, आपकी रेप्लिकेशन सिस्टम को हाईजैक करके अपनी खुद की कॉपी बनाने लगता है, तब धीरे धीरे वो सेल फिर फूट जाता है। या वो सेल बिना फूटे भी, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं अपने सेल के ही मेम्ब्रेन को यूज़ करके अपनी एनवलप वाले वायरसेस और बनाने लगते हैं, जो बाहर फैलने लगते हैं और दूसरे सेल्स को अफेक्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे सारे लंग्स को इफेक्ट कर जाता है, पूरा लंग्स आपका वायरस टू वायरस भर जाता है। जब बहुत ज़्यादा लेवल पर वायरस वहाँ हो जाता है ना, तब जाके बुखार आता है, तब जाके सिम्टम आता है, तब जाके बॉडी उसको मारने के लिए अपने सोल्जर्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सब भेजती है, राइट? जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी बनाते हैं, वो तब बनाते हैं जब ये होता है, जो साइटोकाइंस बनते हैं तब बनता है। और जो इंसान मर रहा है इससे, ये इसीलिए मर रहा है कि वायरस की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि शरीर को इतने ज़्यादा बम गोले गिराने पड़ते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, दुश्मन को मारते मारते खुद आपके अंदर इतना डैमेज हो जाता है, इसलिए कि बॉडी की खुद की बहुत ज़्यादा हाइपर इम्यून रिएक्शन उस समय, जिसको हम नहीं रोक सकते, वो करेगी, बॉडी खुद को बचाने की कोशिश तो करेगी ना, साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। वो साइटोकाइन स्टॉर्म के वजह से आपके लंग्स आप सर्वाइव नहीं कर पाते, अगर आप यंग नहीं हैं तो। अगर आप यंग नहीं हैं, आपके लंग्स हेल्दी नहीं हैं, आप बीड़ी सिगरेट पीते हो, आप तंबाकू खाते हो, आपने क्या क्या कर रखा है, आपने अपने फेफड़ों को टीबी हो रखा था पहले, बहुत ख़राब हो रखे हैं, तो आपके चांसेस और थोड़े कम हो जाएंगे।
दैट डज नॉट मीन कि आप सर्वाइव करोगी नहीं. इसीलिए हॉस्पिटल में जब होता है पेशेंट तो हम इस साइटोकाइन स्टॉर्म को रिलैक्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वायरस भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. सो इसीलिए खुद का दिमाग लगाओ इन चीजों में कि कौन सी खबर सच है, कौन सी गलत है. देखिए यह काम CDC, WHO, MOH का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है कि पब्लिक में फैलने वाली गलत इंफॉर्मेशन को सही करे. न्यूज चैनल का है, मीडिया का है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम डॉक्टरों की कि अगर हमारे सामने कोई बात आती है तो हम उनको बताएं जो हमारे फॉलोअर्स हैं. लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत इंफॉर्मेशन आगे ना भेजो. गलत इंफॉर्मेशन आगे ना भेजो, ऐसी बातें आगे ना भेजो. अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आ रही है जो कोरोना वायरस के चलते है और आपको डाउट है कि क्या ये सच है या ये गलत है, तो आप वैसे तो गवर्नमेंट को बोल सकते हो, मगर वहाँ मेरा बस नहीं बलता चलता कि वो सच बोलेंगे या नहीं. आप मुझे लिखिए, आपने शॉर्ट मैसेज लिखना है, लंबी दास्तान नहीं लिखनी है, वरना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा. बिल्कुल शॉर्ट मैसेज लिखिए, और अगर किसी ने बहुत लंबा मैसेज भेजा है तो उसका एक निचोड़ लिखिए कि क्या कोरोना वायरस हवा से फैलता है सर, क्या कोरोना वायरस मक्खियों से फैलता है, क्या कोरोना वायरस फलाना ढमकाना से ऐसा ऐसा होता है या नहीं. बस इतना आपने लिखना है, या तो उस पर हम वहीं के वहीं रिप्लाई कर देंगे आपको, या तो आपका उस टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, फैला होगा, तो उस पर वीडियो बना देंगे. इतना हम कर सकते हैं आपके लिए, अगर आप इतना कर लें कि ये सारे वीडियोस शेयर करें. लाइक करो मत करो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो मर्जी कर दो, दुनिया को सही जानकारी दो. वरना जो ट्रीटमेंट ले सकता है वो नहीं लेगा, ये सोचेगा कि मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, और उसको लगेगा उसने मुंह के अंदर ही मार दिया और वो फैलाता जाएगा. सो डोंट फॉल प्रे टू फेक न्यूज. प्लीज प्लीज शेयर दिस मैसेज. एंड अगर कोई ऐसी जानकारी है जो हमने ऑलरेडी नहीं कवर करी, पहले देख लीजिएगा हमारे वीडियोस. हमने मिथ्स वाला वीडियो बनाया है जिसमें 25 से ज़्यादा मिथ हमने कवर किए हैं. अगर उसमें ऑलरेडी कवर्ड है तो रिपीटेड वीडियोज़ नहीं बनेंगे, राइट. सो उसको पहले देखिए, और अगर कोई मिथ रह जाता है तो हमें मैसेज करें. थैंक यू सो मच. मैं हूँ डॉक्टर परमजीत. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.